नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत की दुनिया में। आज जो है एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण और अनोखा यात्रा पे आपको लेके चले जा रहा हूँ, जिसका विषय है राम मंदिर। सबसे पहले जय श्री राम सबको, और इसी के साथ हम अपना वीडियो जो है शुरू करते हैं। जब हम भारत की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे जहन में कहीं ना कहीं राम मंदिर की बात जरूर आती है, और आएगी भी क्यों नहीं, क्योंकि राम मंदिर जो है एक ऐसी जगह पर स्थित है जो कि बहुत ही पवित्र माना जाता है। हम जो है इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अभी, और ये समझेंगे कि राम मंदिर जो है इतना महत्वपूर्ण क्यों है। राम मंदिर की कहानी लगभग 14 सेंचुरी से शुरू होती है। बाबर के जो सेनापति थे मीर बाकी, उन्होंने अयोध्या में एक मस्जिद बनाई, लेकिन 1952 में हमारे जो भारतीय है वो उसे तोड़कर रामलला की मंदिर बनाते हैं वहाँ पे, जिसके कारण देश भर में एक महासंघर्ष चली आ रही थी, लेकिन जिसका उद्देश्य था राम मंदिर का पूर्ण निर्माण। भारत में 2020 जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उसके बाद ये राम मंदिर की बनावट शुरू हुई। लोग देश भर से इसकी स्थापना के लिए अपने तरफ से जितने हो सके उतने सहयोग किए, और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि एक ऐसा महत्वपूर्ण मंदिर है जहां लोग उसकी दर्शन नहीं बल्कि उसकी क्षेत्र छाया में रहना चाहते हैं। मंदिर का निर्माण एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि उसके साथ जुड़े जो लोग हैं और हम सब जो जुड़े हैं वो एकता की भावना दिखाते हैं। राम मंदिर जो है एक सिर्फ भवन ही नहीं है, उसमें अलग अलग प्रजाति के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, लेकिन फिर भी एकता को हम कहीं ना कहीं दर्शाते हैं। उस राम मंदिर से हम यही सीखते हैं कि अगर आपके साथ अलग समुदाय के लोग भी हैं, लेकिन हम एक ही साथ जुड़कर वो चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और भारतीय नागरिक के अनुसार एक गर्व की बात है। और इस मंदिर के निर्माण ने देश में एक नई भविष्य जो है कायम कर रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण सिर्फ एक स्थल के रूप में नहीं है, बल्कि ये समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने का काम भी कर रहा है। इससे समाज में एक समान भावना का वातावरण भी बनता जा रहा है। ये थी राम मंदिर की बातें। अब चलते हैं मेन मुद्दे पे। देखिए, राम मंदिर जो बनाने का कार्यक्रम, उसके बाद जो 22 जनवरी को हमारे श्री राम आ रहे हैं, उस दिन तो एक दिवाली मनाई जाएगी, पूरे हमारे भारतवासियों के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है। ये दिन जो है हमें हमेशा याद रहेंगे। लेकिन आज जो है मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि कहीं ना कहीं जो है बहुत मुश्किल होता है कि आपके लोकेशन से, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ से अयोध्या तक पहुँचने के लिए, क्योंकि वाहन जो है हमेशा नहीं मिलती है, बहुत कष्ट बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो लोग जाना चाहते हैं, मन में आस्था रखते हैं, वो जा सकते हैं, और जो लोग आस्था रखते हुए भी नहीं जा सकते, वो प्रभु को जो है स्वयं अपने मन में अपने पवित्र मन से उन्हें बुला सकते हैं, वो तब भी सुनेंगे। और जैसे कि मोदी जी ने कहा है कि अगर नहीं आ सकते तो आप घर पे मनाइए, और आने की भी अभी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं आना चाहिए आपको, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन ये बता रहे हैं कि वहाँ पे भीड़ इतनी हो जाएगी कि आप जो है अच्छे से राम मंदिर का दर्शन भी नहीं कर पाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही बड़ी एक दुख वाली बात होगी कि इतने दूर से अब जाके आप अगर मंदिर की अच्छे से दर्शन ही ना कर पाए तो आपको इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। फिर भी आप कभी और भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, राम मंदिर के बारे में जो अभी तक आपने जो भी बातें सुनी हैं, आप मुझे लगता है कि आप जाके एक बार देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही पवित्र स्थान है और वहाँ पर जाना मतलब बहुत सौभाग्य की बात होगी। लेकिन आप बिना गए वहाँ पे कुछ कुछ वेबसाइट ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को बहुत ही मतलब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उसमें से ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे आप फंस सकते हैं, पैसे आपके बर्बाद हो सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे जेन्युइन साइट्स भी हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो जेन्युइन नहीं होके फ्रॉड साइट्स भी हो सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक जेन्युइन ऐसी साइट बताने जा रहा हूँ जहाँ पे जो है आप घर बैठे मुफ्त में प्रसाद ले सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। चलिए आप मेरे स्क्रीन पर, यहाँ पे आपको एक वेबसाइट टाइप करनी है जो कि है खादी ऑर्गेनिक, और यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो ये खादी ऑर्गेनिक जो है, आपको अगर लगता है कि ये साइट जेन्युइन नहीं है
तो वहाँ पे आप जो है आपके वेबसाइट जो एड्रेस जहाँ पे दिया गया है वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कनेक्शन इज सिक्योर, मतलब HTTPS है। और हमेशा मैं ये सबको बताता हूँ कि हमेशा जो है HTTPS S जिसमें लगा रहेगा मतलब सिक्योर, ये साइट हमेशा यूज़ करने के लिए, क्योंकि दूसरे साइट जो होते हैं ना वो बिल्कुल फ्रॉड होते हैं, आप फंस सकते हैं उसमें, आपका बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह जा सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें दिया गया है जहाँ पे मंदिर, फिर आपका कुछ कपड़े, टी शर्ट वगैरह जो है आप ऑर्डर कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, और इसके लिए आप अगर चार्जेस पे करते हैं तो उतना में आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है आपको, चलिए ऊपर लेके चलते हैं जहाँ पे दिया गया है कि आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना है गेट योर फ्री प्रसाद, मतलब आपको मुफ्त में प्रसाद मिलने वाला है, तो उसी स्क्रीन पर मैं लेके चल रहा हूँ, चलिए देखिए कैसे। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे आपको वेट करना होता है और ये वेटिंग टाइम जो है बहुत ही लंबा होता है। मेरा जैसा वेटिंग टाइम था वो ऑलमोस्ट जो है आपका 300 मिनट के ऊपर था, लगभग 362 मिनट था, और इसलिए जो है मुझे वेट करना पड़ा। लेकिन सडनली जो है मैंने देखा कि मेरा वेटिंग टाइम जो है घट कर पहले 26 मिनट पे आया, फिर 13 मिनट पे, फिर 2 मिनट पे, फिर उसके बाद मेरा जो है लगभग काम बन ही गया था। तो कैसे मैंने ये किया है चलिए आपको बताते हैं। अब देखिए मेरा बच के सिर्फ 1 मिनट रह गया है, तो 1 मिनट वेट करने के बाद, तो जैसे कि मेरा 1 मिनट ख़त्म होता है मैं इस पेज पे लैंड होता हूँ जहाँ पे मुझे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भरना होता है। कॉन्टैक्ट डिटेल में ईमेल आईडी या फिर आपका मोबाइल नंबर डालना होगा आपको। उसके बाद डिलीवरी ऑप्शन में देखिए आपको डिलीवरी एट योर रिक्वेस्टेड डोर स्टेप 51 रुपीस में, ये डोमेस्टिक है, और इंटरनेशनल तो आपको डॉलर 11 हो जाएंगे, ठीक है। सो आपको जो है इतना चार्जेस पे करना है वो, जो कि सिर्फ डिलीवरी चार्जेस है, प्रसाद की कोई चार्जेस नहीं है। और ये जो अगर आप चार्जेस पे करते हैं, ये अगर ऑनलाइन करते हैं तो आपको 51 होता है, अगर घर पे अगर दे जाते हैं कोई आपको तब पे करते हैं, मतलब कैश ऑन डिलीवरी, तो आपको 101 रुपये चार्ज हो जाएंगे, जिसके कारण जो है आप ऑनलाइन करना ही बेहतर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप अगर फ्री में लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आप अगर नीचे क्लिक करते हैं फ्री के डिलीवरी लोकेशन, तो वहाँ से बहुत सारे ऐसे लोकेशन मिलेंगे आपको, आप जिस लोकेशन पे हैं उस लोकेशन के हिसाब से आप जो है वहाँ पे फ्री डिलीवरीशन, मतलब डिलीवरी के लिए वहाँ से जाके खुद लेके आ सकते हैं। लेकिन वो शायद आपके घर से बहुत दूर पे भी पड़ सकता है, लेकिन मेरा यही मानना है कि अगर कुछ आसान होता है आपके लिए तो आप ऑनलाइन ही पे कर दीजिए, जो कि 51 लगेंगे। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे अपना नाम, अपना एड्रेस, ठीक है, आप जहाँ पे रहते हैं उसका परफेक्ट पिन कोड, सिटी, एरिया, सब कुछ मेंशन करना होता है। मेंशन करने के बाद शिपिंग और बिलिंग एड्रेस सेम है कि नहीं वही पूछेंगे आपसे, और पे के ऑप्शन में आप चले जाएंगे। जैसे ही पे के ऑप्शन में आप जाते हैं और पे करने के बाद व्हाट्सएप में एक ऐसा मैसेज आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक ऐसा मैसेज आता है आपको कि ये जो है आपका पर्टिकुलर ऑर्डर नंबर है, और ये ऑर्डर नंबर के हिसाब से आपको जो है आपके डिटेल मिल जाएंगे, और कुछ इंक्वायरी अगर होते हैं आपका तो आप कॉल आउट के ऑप्शन पे आप क्लिक करके वहां से कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं आप, जो कि ये अभी तक जो है मुझे जेन्युइन वेबसाइट लगा है। और देखिए अगर जेन्युइन ना भी हो, हम श्री राम के जो है मतलब चरण में अपना सर झुकाते हुए प्रसाद ले रहे हैं, क्योंकि राम जी का प्रसाद खाने में भी जो है भाग्य चाहिए होता है। सो आप जो है अगर आपका पैसा, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पेमेंट कर दीजिए अगर ऐसा फ्रॉड भी हो, ऐसा नहीं है, ये अभी तक मुझे लगा जेन्युइन है इसलिए मैंने आपके सामने लेके आया, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे मैंने भी खुद पेमेंट किया है, और पेमेंट अगर ना करता तो ऑर्डर प्लेस नहीं होता, वो आप देख ही सकते हैं। सो इसलिए जो है आप ऐसा नहीं है कि आप 51 रुपये दे रहे हैं तो आपको प्रसाद मिलना ही चाहिए, 51 रुपये भगवान के नाम पे दीजिए, क्योंकि छोटे से छोटे जो है अगर हम चीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं ना, वही कहीं ना कहीं जाकर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही आपको जानकारी देना है कि आप भी जो है राम जी का प्रसाद लीजिए, सब में बांटिए, क्योंकि अच्छाई जो है वो बांटने से और ज़्यादा बढ़ती है। और इसी के साथ हम जो है अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। कुछ क्वेश्चन अगर होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा हमें। जय श्री राम।